क्लास में हमने इंसेक्ट्स के जो एंटीनी होते हैं उनके टाइप्स, उनके फंक्शंस, उनके बारे में पढ़ा था। इस क्लास में मैं आपको इंसेक्ट के जो लेग्स हैं, उनकी जो टांगे होती हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। इंसेक्ट में जो तीन पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, तो थोरेक्स वाले पार्ट पे दो प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, उसमें लेग्स होते हैं और विंग्स होते हैं। आज की क्लास में हम लेग्स के ऊपर एम्फसाइज करेंगे। कीट में जो टांगे पाई जाती हैं, सभी कीटों में तीन जोड़ा टांगे पाई जाती हैं। ये वक्ष थॉरेक्स की निचली सतह पर लगी होती हैं और ये टांगे जो कीटों में पाई जाती हैं ये खंड युक्त होती हैं। किसी भी कीट की टांग में निम्न खंड पाए जाते हैं। नंबर वन, देखिए मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। ये जो है वॉकिंग टाइप, चलने वाले कीट का जो पैर होता है उसका डिजाइन है, ये पाया जाता है कॉकरोचेज में। ये दूसरी मैंने जो टांग बनाई है, ये जो है ये जंपिंग लेग है, फुदकने वाला। ये जो टांग है ये पाई जाती है ग्रासहॉपर में या बीटल्स में। अब आप देखिए इनमें कॉक्सा है एक पार्ट, फिर जो है सेकंड पार्ट जो है ये ट्रोकेंटर है, थर्ड पार्ट जो है ये फीमर है, फोर्थ पार्ट टीबिया है, उसके बाद ये टार्सस आता है और प्री टार्सस आता है। इसी प्रकार इसमें भी यही व्यवस्था है, जंपिंग में ये जंपिंग मसल्स होते हैं। अब मैं आपको इसका अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताता हूं। नंबर वन इज कॉक्सा। यह कीट के आधारीय खंड से जुड़ा रहता है, बेसल खंड से जुड़ा रहता है। यहीं से टांग जो है ये मूवेबल ज्वाइंट, मतलब जो टांग में जो मुड़ने की प्रकृति होती है वो इसी से इसको मिलती है। यह भाग काफी चौड़ा होता है। सेकंड पार्ट जो आता है दिस इज कॉल्ड एज ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर को आपने देखा, ये सेकंड पार्ट है। यह कॉक्सा से जुड़ा रहता है और यह आकार में कंपैरेटिवली छोटा होता है, इट इज स्मॉल इन साइज। कभी कभी ये दो उपखंडों में, दो उपखंड का मतलब होता है सब सेगमेंट्स, तो ये टू सब सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इसका एग्जाम्पल है हनी बीज में और जो ततैया होते हैं वेस्ट, उनमें ये पाया जाता है। थर्ड पार्ट जो किसी भी एक जनरलाइज टांग का होता है दैट इज फीमर, इसको बोलते हैं FEMUR, फीमर। यह टांग का थर्ड सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है जो बड़ा होता है। वह इसकी खासियत क्या है, यह मजबूत होता है, इट इज ए पावरफुल सेगमेंट। यह प्राय बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है, चपटा फ्लैट होता है और इस पर कभी कभी कांटेनुमा आकृतियां पाई जाती है। यह इसका थर्ड पार्ट हुआ। बच्चों फोर्थ पार्ट आता है इसका टीबिया, दिस इज फोर्थ सेगमेंट और यह फीमर से जुड़ा हुआ रहता है। यह सबसे बड़ा होता है साइज में, सबसे बड़ा सेगमेंट है। इस खंड पर स्पाइंस पाए जाते हैं, दांते टाइप पाए जाते हैं। जो लास्ट सेगमेंट है टार्सस जिसे कहते हैं, टार्साई टार्सस, यह प्राय पांच खंडों का होता है, नॉर्मली दिस इज फाइव सेगमेंटेड। इसके अंतिम खंडों पर प्री टार्सस, ये प्री टार्सस वाला पार्ट पाया जाता है। नीचे वाले भाग में गद्दियां पाई जाती हैं। इस पे ये जो चिपचिपी गद्दियां होती हैं उनको एडेसिव पैड्स भी कहते हैं। ये इंसेक्ट्स के अलग अलग फंक्शंस के लिए काम में आती हैं। ये दो जनरलाइज डायग्राम मैंने आपको बताया, दिस इज द डायग्राम ऑफ वॉकिंग टाइप ऑफ लेग्स विच इज फाउंड इन कॉकरोचेज। ये किसमें पाया जाता है, कॉकरोचेज में। इसमें ये देखिए आप कॉक्सा है, ये पहला जो पार्ट है ये जो है छोटा है, चौड़ा होता है ये। देन ट्रोकेंटर है, ये साइज में छोटा होता है। उसके बाद देखिए ये फीवर है, फीमर है, ये बड़ा है। अब आप देखिए कॉकरोच का जो है इसके डिजाइन में और ग्रासोपर वाले में क्या है, यहां पे ये जंपिंग मसल्स हैं। जी क्यों, आपने देखा होगा जो अपने ग्रासोपर होता है, क्रिकेट्स होते हैं, बीटल्स, इनमें जंपिंग की पावर होती है, ये जंप करते हैं, तो इसमें जंपिंग मसल्स दिए हुए हैं। बाकी डिजाइन का करीब करीब एक ही है। तो ये मैंने आपको इंसेक्ट्स की जो टांगे हैं उसके बारे में, कहां स्थित होती हैं, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इनकी टांगों के जो रूपांतरण है, मॉडिफिकेशंस है, कि इनके क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। यह रूपांतरण कीटों की आवश्यकता के अनुसार होते हैं। यह कीटों की भिन्न भिन्न जातियों में अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं, उनमें अलग अलग टाइप से मिलते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होती है
वहां पर इंसेक्ट्स की वैसी टांग पाई जाती है। नंबर वन आता है वॉकिंग टाइप्स ऑफ लेग्स। ये जो टांगे हैं ये जो है जैसे इनका नाम है ये तेजी से चलने के काम आती हैं। इनकी सहायता से कीट बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। इन टांगों में कॉक्सा साधारणतः छोटा तथा ट्रोकेंटर दो खंडों में बना हुआ होता है। फीमर पतली होती है एवं चपटी होती है तथा टीबिया लंबी एवं दोनों ओर से छोटे छोटे कड़े रोम पाए जाते हैं। यह नॉर्मली कॉकरोच और टिड्डी में पाया जाता है। नंबर टू जो है कर्सोरियल और CURSORIL कर्सोरियल और रनिंग टाइप, ये दौड़ने वाली टांगे हैं। इस प्रकार की जो टांगे होती हैं ये बीटल्स एंट्स और ईयरविग्स में नॉर्मली पाई जाती हैं। ये जो टांगे हैं ये अपेक्षाकृत लंबी होती हैं, इससे कीट तेजी से दौड़ सकते हैं। इनकी टांगों का ट्रोकेंटर प्राय दो खंडों में बटा रहता है। फीमर पर मजबूत बाल लगे रहते हैं। इसका टार्सस लंबा होता है। ये सेकेंड टाइप की टांगे हैं। थर्ड टाइप की जो टांगे हैं जिसका के चित्र भी बना हुआ है, साल्टेटोरियल और हॉपिंग और जंपिंग टाइप ऑफ लेग्स जो हैं, ये जो टांगे हैं ये नॉर्मली इस प्रकार की जो टांगे हैं इनमें फीमर काफी मजबूत एवं शक्तिशाली होता है। इसके अंदर मजबूत वाई आकार के, जैसे मैंने आपको बताया वाई आकार के जो है ये इसमें मसल्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये इसमें कॉक्सा सामान्य होता है, ट्रोकेंटर छोटा होता है। इसके एग्जाम्पल में टीडिया है, झिंगूर है, पल्स बीटल है, ये इसके एग्जाम्पल है। फोर्थ नंबर पे जो टांग आती है साउंड प्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ लेग, साउंड प्रोड्यूसिंग, इसके एग्जाम्पल है क्रिकेट्स में ये पाई जाती है, झिंगूर में होता है और मेल ग्रासोपर में होता है। मेल ग्रासोपर और झिंगूर में ये पाई जाती है साउंड प्रोड्यूसिंग। इस प्रकार की टांगों में कीटों के कूदने फांदने वाली होती है तथा इन्हें यह रचना टैगमुना के किनारे से रगड़ते हैं, इस प्रकार इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो टांग है वो है फोरेजियल और पॉलन कलेक्टिंग टाइप। ये जो टांगे हैं ये वर्कर जो बीज होती हैं हनी बीज उनमें पाई जाती हैं। इस प्रकार की टांगे सामान्य होती हैं और घने बालों से ढकी रहती हैं। इनकी टांगों में प्राय पांच खंड पाए जाते हैं। इनकी टीबिया चपटी तथा चौड़ी होती है जिस पर बाल लगे होते हैं, जिसे आई ब्रश कहते हैं। यह नेत्रों को साफ करने का काम करते हैं। इसकी टीबिया एक थैली बनाती है, इसी में यह कीट पराग कण को इकट्ठा करती है। मधुमक्खियां पराग से पेटिका जब भर जाने पर मधु को कॉम में जमा कर देते हैं, जिसके बाद मधुमक्खियां बी ब्रेड बनाकर इसका उपयोग करती हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको बताया हनी बी जो वर्कर्स हैं उनमें पाई जाती हैं। उसके बाद जो टांगे आती हैं क्लिंकिंग टाइप, जो कि लाइस जू जो होती है उसमें पाई जाती हैं। फिर रेप्टोरियल और ग्रेस्पिंग टाइप ऑफ शिकार पकड़ने वाली टांगे, जैसे नाम से विदित है इस प्रकार की टांगे जो है उन कीटों में पाई जाती हैं, जैसे प्रेइंग मेंटिड है, ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उसको पकड़ के उसे ये खा जाते हैं। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट जो टांगे हैं वो है क्लाइंबिंग और स्टिकिंग टाइप ऑफ लेग्स। ये चढ़ने चिपकने वाली टांगे होती हैं, ये उन कीटों में पाई जाती हैं। उसके बाद क्लैस्पिंग टाइप ऑफ लेग, संभोग सहायक टांगे, ये बग्स में पाई जाती हैं। उसके बाद स्टिमुलेटिंग और प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ लेग, सुरक्षा प्रदान करने वाली टांगे होती हैं, ये फेजमिड्स में पाई जाती हैं। उसके बाद सकिंग और सक्टोरियल टाइप ऑफ लेग्स हैं, ये प्रयुषक प्रकार की टांगे हैं, ये मेल बीटल्स में डिस्टिकस में पाई जाती हैं। एक होती है नेटेटोरियल और स्विमिंग टाइप ऑफ लेग्स, इनको तैरने वाली टांगे कहते हैं। ये वाटर ग्रास हॉपर, जाइंट वाटर बग्स में और प्रीडेशियस डाइविंग बीटल में पाई जाती है। तो ये मैंने आपको इंसेक्ट्स में जो टांगे पाई जाती हैं उनके विषय में बताया, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी लोकेशन होती है। दो जनरलाइज डायग्राम मैंने बताया आपको, एक कॉकरोच का जो वॉकिंग टाइप्स ऑफ लेग्स हैं, दूसरे मैंने आपको बताया जंपिंग टाइप जो ग्रासहॉपर्स में पाए जाते हैं, और इनकी टाइप्स ये जो 12 प्रकार के करीब जो अलग अलग टाइप्स के लेग्स हैं उनके विषय मैंने आपको बताया। ये आपके
एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लें, उतार लें, ये आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। नॉर्मली जो टांगे पूछी जाती हैं वो वॉकिंग या ग्रेस्पिंग ये जंपिंग टाइप ऑफ लेग्स के बारे में पूछा जाता है, तो इनको आप डिटेल में विस्तार से बताएं जब भी आपसे पूछा जाए। थैंक यू।